हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का डायमंड स्पेशल न्यू ईयर मैच हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायमंड स्पेशल न्यू ईयर मैच के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड स्पेशल न्यू ईयर मैच के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, इस वीक के डायमंड स्पेशल न्यू ईयर मैच की शुरुआत AEW कंपनी अंदर एक बहुत ही बड़े रिटर्न से हुई, जहां पर हमें फाइनली जिम रॉस इस वीक के डायमंड शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए और यहां पर आकर जिम रॉस ने कॉमेडी टीम ज्वाइन की, क्योंकि काफी दिनों से अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के चलते जिम रॉस AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आ पा रहे थे और यहां पर जिम रॉस को भी बहुत ही बढ़िया कमबैक ओवेशन मिली है। पर इसके बाद फाइनली इस वीक के डायमंड शो का ओपनिंग मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर हमें लुचा ब्रोस, जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज मिलकर FTR प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, ये मैच स्टार्ट होते इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और इस मैच की शुरुआत में क्रिश्चियन केज FTR के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे। पर इसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर जंगल बॉय और ए फिनिक्स, इनकी भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है और प्राइवेट पार्टी ने भी इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, जहां पर एक टाइम के लिए देखने में ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट पार्टी जुरासी एक्सप्रेस के लेवल मैच कर रही है। और हमें एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर लुचा ब्रोस और FTR भी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, जहां पर हमें इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में फिर एक बार बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनली जब इस मैच के आखिर में लुचासोरस लीगल थे, तो लुचासोरस इस मैच के आखिर में मैच जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी पेंटा ने लुचासोरस से टैग ले लिया, जो देखकर लुचासोरस काफी गुस्सा थे और इतने में प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी ने जुरासिक एक्सप्रेस और एफिनिक्स के ऊपर अटैक कर दिया। पर इनके अंदर पेंटा एल्जोरियम FTR के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर इतने में क्रिश्चियन केज ने पेंटा एल्जोरियम से टैग ले लिया और क्रिश्चियन केज रिंग के अंदर आ गए, जो देखकर पेंटा काफी गुस्सा थे। पर इतने में FTR ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बिग रिग लगाया और यहां पर क्रिश्चियन केज को पिन कर FTR ने मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के डायमंड शो की ओपनिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और इस एक मैच ने AEW कंपनी के चार टैग टीम्स को एलिवेट करने के लिए मदद की है। इसीलिए गाइस, मुझे मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है, पर अपने मिसकम्युनिकेशन के चलते लुचा ब्रोस और जुरासिक एक्सप्रेस ने मैच हारा है। तो देखना पड़ेगा कि आगे लुचा ब्रोस और जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड स्पेशल न्यू ईयर मैच के ऊपर एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस मिलकर डेनियल गार्सिया और 2.0 को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, मैच स्टार्ट होते ही एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर डेनियल गार्सिया एडी किंगस्टन से दूर भाग रहे थे, इसलिए हमें इस मैच के अंदर इस मैच की शुरुआत में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला है। पर फाइनली जब ये मैच लीगली स्टार्ट हुआ, तब हमें सैंटाना और ओटिस मिलकर 2.0 के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब डेनियल गार्सिया इस मैच के अंदर आ गए, तब डेनियल गार्सिया ने अकेले सैंटाना और ओटिस के ऊपर अटैक किया, पर फिर भी यहां पर डेनियल गार्सिया एडी किंगस्टन के सामने जाने से घबरा रहे थे, क्योंकि एडी किंगस्टन यहां पर काफी ज्यादा गुस्से में थे और एडी किंगस्टन किसी भी हालत में डेनियल गार्सिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और अपने इसी गुस्से के चलते एक टाइम के लिए एडी किंगस्टन ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया और इसी का फायदा उठाकर 2.0 ने सैंटाना को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस मैच का काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहां पर एडी किंगस्टन मैच जीत सकते हैं, लेकिन फिर एक बार यहां पर 2.0 और डेनियल गार्सिया मैच जीत चुके हैं। पर फिर एक बार ये मैच जीतने के बाद यहां पर डेनियल गार्सिया और 2.0 ने मिलकर सैंटाना और ओटिस और एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया और यहां पर डेनियल गार्सिया ने टाइम कीपर की बेल लेकर सैंटाना के ऊपर अटैक किया। पर तभी हम यहां पर सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको अपने रिटर्न करते हुए दिखाई दिए और यहां पर आकर क्रिस जेरिको ने 2.0 और डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि डेनियल गार्सिया और 2.0 यहां से भाग गए। और काफी दिनों बाद AEW कंपनी के डायमंड शो पर अपने रिटर्न कर क्रिस जेरिको ने यहां पर सैंटाना और ओटिस को बचा लिया है। लेकिन यहां पर देखने वाली बातें थी कि एडी किंगस्टन रिंग के अंदर खड़े थे, लेकिन फिर भी क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन की तरफ नहीं देख रहे थे, क्योंकि पहली बार जब क्रिस जेरिको ने एडी किंगस्टन को सेव किया था, तब एडी किंगस्टन का कहना था कि एडी किंगस्टन को क्रिस जेरिको की जरूरत नहीं है और इसलिए शायद यहां पर एडी किंगस्टन को बचाने के बाद क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन की तरफ नहीं देख रहे थे। पर देखकर एडी किंगस्टन काफी गुस्से में थे और यहां पर एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको से बात करते हुए कह रहे थे कि एडी किंगस्टन को क्रिस जेरिको की मदद की जरूरत नहीं थी और ये कहते हुए एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको के ऊपर जा रहे थे। पर यहां पर ओटिस ने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को शांत किया। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको के बीच में क्या देखने को मिलता है, कि क्या ये दोनों ही सुपरस्टार सेम दुश्मन को फेस करने के लिए यूनाइट होते हैं या फिर दोनों अकेले लड़ते हैं। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर MJF का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए MJF ने कहा कि हाल फिलहाल में MJF के साथ AEW कंपनी अंदर जिस तरह की चीजें चल रही है, जैसे कि स्टिंग का MJF के ऊपर अटैक करना या फिर CM Punk का MJF के पीछे रहना, ये सभी चीजें MJF के साथ नहीं होती अगर MJF दूसरी कंपनी अंदर काम करे होते। पर उसके लिए भी साल 2024 तक टाइम है और अब MJF CM Punk और स्टिंग को बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहां पर MJF ने वार्डलो से कहा कि वार्डलो हाल फिलहाल में अपना हर एक मैच जीत रहे हैं और वो भी मल्टीपल पावर बॉम्ब्स लगाकर, और करंटली MJF AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नहीं है, इसलिए MJF चाहते हैं कि वार्डलो AEW कंपनी के रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आए और आगे चलकर वार्डलो बन जाए नए TNT चैंपियन। और जैसे कि वार्डलो ने MJF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वैसे ही TNT चैंपियन बनने के बाद वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप MJF को हैंड ओवर कर दे। जो बात यहां पर MJF ने वार्डलो से कही, जिसके ऊपर वार्डलो काफी गुस्सा थे, पर यहां पर MJF ने वार्डलो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि वार्डलो ने MJF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वार्डलो वही करेंगे जो कि MJF कहेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए मास स्टर्लिंग ने कहा कि मास स्टर्लिंग ने इंश्योर किया है कि MJF कभी ना हारे और मास स्टर्लिंग ने भी इंश्योर किया है कि जेट कारगिल भी अपना मैच जीतेगी। जो बात है, अगर मास स्टर्लिंग यहां चले गए और इसका मतलब क्या है, ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो क्या करते हैं, कि वार्डलो को TNT
चैंपियनशिप के लिए मौका कब मिलता है और क्या टीएनटी चैंपियन बनने के बाद वार्डलो अपनी टीएनटी चैंपियनशिप एमजीएफ को हैंडओवर करते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में लुचा ब्रोस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज और जोरा से एक्सप्रेस आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए क्रिश्चियन केज कह रहे थे कि लुचा ब्रोस ने उनके मैच के अंदर कोऑपरेट क्यों नहीं किया। पर यहाँ पर पेंटा ने कहा कि क्रिश्चियन केज अपने आप को लेजेंड कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन केज सही में अच्छे दोस्त भी नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन केज की वजह से लुचा ब्रोस अपना मैच हार चुके हैं। और यहाँ पर ब्लेम क्रिश्चियन केज के ऊपर आता हो देख क्रिश्चियन केज ने लुचा ब्रोस को जोरा से एक्सप्रेस की बिहाफ के ऊपर उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, जिस पर बात करते हुए पेंटा ने काफी तगड़ी लाइन डिलीवर की। और यहाँ पर बात करते हुए पेंटागन जूनियर ने कहा कि जंगल बॉय अपने आप को एब्ल्यू कंपनी का फ्यूचर मानते हैं, लेकिन जंगल बॉय खुद ही क्रिश्चियन केज जैसे पास्ट वाले सुपरस्टार के साथ रहते हैं, तो जंगल बॉय एब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर कैसे हो सकते हैं। ये कहकर लुचा ब्रोस ने यहाँ पर जोरा से एक्सप्रेस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि लुचा ब्रोस की इस लाइन का जंगल बॉय के ऊपर क्या असर पड़ता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर वार्डलो वन ऑन वन मैच के अंदर एक लोकल टैलेंट को फेस करते हुए दिखाई दी। और आपको तो पता ही होगा कि आजकल वार्डलो के मैचेस कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये मैच भी वैसा ही था। और ये मैच स्टार्ट होने के बाद वार्डलो ने अपने अपोनेंट के ऊपर लगातार चार पावर बम्स लगाए और यहाँ पर अपने अपोनेंट को पिन करके वार्डलो ने मैच जीत लिया है। और यहाँ पर क्राउड भी वार्डलो काफी सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पर वार्डलो को मिलता हुआ सपोर्ट देखकर शॉन स्पियर्स भी काफी जेलस थे, इसलिए शॉन स्पियर्स ने मैच खत्म होने के बाद वार्डलो के अपोनेंट के ऊपर स्टील चेयर से अटैक किया, जिससे कि माने की मैच वार्डलो ने जीता है, लेकिन फाइनल स्पॉटलाइट शॉन स्पियर्स के ऊपर आई। तो देखना पड़ेगा कि इसके चलते आगे वार्डलो और शॉन स्पियर्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एडम कोल, यंग बक्स, बॉयफिश और कायल रैली का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि एडम कोल चाहते हैं कि यंग बक्स और बॉयफिश और कायल रैली ये सभी साथ मिलकर काम करें, जिससे कि ये एब्ल्यू कंपनी नहीं बल्कि पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री की काफी तगड़ी फैक्शन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि एडम कोल यंग बक्स को बॉयफिश और कायल रैली के साथ काम करने के लिए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद से आज तक कायल रैली ने उन्हें कभी हेलो भी नहीं कहा, जिस पर गुस्सा होकर कायल रैली ने यंग बक्स को हेलो तो कहा, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए कायल रैली ने कहा कि यहाँ पर कायल रैली एडम कोल से कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर एडम कोल ने यंग बक्स को यहाँ से जाने के लिए कहा। और इसके बाद कायल रैली ने बॉयफिश को भी यहाँ से भेज दिया। और यहाँ पर बात करते हुए कायल रैली ने एडम कोल से कहा कि एडम कोल और कायल रैली के बीच में काफी हिस्ट्री रह चुकी है, पर अभी दोनों सुपरस्टार्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर है और एब्ल्यू कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पर कोई अपने एलायंस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। और कायल रैली को पता है कि बॉयफिश उनके साथ है, लेकिन कायल रैली होप करते हैं एडम कोल भी कायल रैली के साथ हो। ये कहकर कायल रैली यहाँ चले गए, जिससे एडम कोल फिर एक बार सिचुएशन के अंदर फंस चुके थे कि यहाँ पर एडम कोल को चूज करना था कि एडम कोल यंग बक्स के साथ जाना चाहते हैं या फिर कायल रैली और बॉयफिश के साथ। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डैन लैम्बर्ट, इथन पेज और स्कॉर्पियोस के आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कोडी रोड्स की वाइफ यानी कि ब्रैंडी रोड्स काफी इंसल्ट कर दी। और यहाँ पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि ब्रैंडी रोड्स एक स्ट्रिपर है जो कि एब्ल्यू कंपनी अंदर सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के सीईओ है और कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के सीईओ है, इसलिए कोडी रोड्स आज टीएनटी चैंपियन है, जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रैंडी रोड्स आ गई और यहाँ पर आकर बात करते हुए ब्रैंडी रोड्स ने कहा कि डैन लैम्बर्ट और कुछ नहीं बल्कि फॉल एमन के एक सस्ते वर्जन है, जिसके ऊपर ब्रैंडी रोड्स काफी बढ़िया प्रेज मिला है। और यहाँ पर आगे बात करते हुए ब्रैंडी रोड्स ने कहा कि ब्रैंडी रोड्स को पता है कि डैन लैम्बर्ट औरतों के अंदर काफी ठीक नहीं है, इसलिए अगर डैन लैम्बर्ट ब्रैंडी रोड्स के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोलते हैं तो ब्रैंडी रोड्स यहाँ पर डैन लैम्बर्ट को फोड़कर रखने वाली है, जो बात यहाँ पर ब्रैंडी रोड्स ने कही। और यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कहा कि उनके पास कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट है, इसलिए डैन लैम्बर्ट किससे भी नहीं डरते, जिस पर ब्रैंडी ने कहा कि अगर डैन लैम्बर्ट के पास ब्लैक बेल्ट है तो ब्रैंडी रोड्स ब्लैक बीच है। और एक कहकर ब्रैंडी रोड्स डैन लैम्बर्ट को अटैक करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर डस्टन रोड्स आ गए और यहाँ पर आकर डस्टन रोड्स ने ब्रैंडी रोड्स को रोक लिया। पर सरप्राइजिंगली इथन पेज ने पीछे से डस्टन रोड्स के ऊपर अटैक किया और इथन पेज और स्कॉर्पियोस का यहाँ से भाग गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का और इथन पेज और नाइटमेयर फैमिली यानी कि ब्रैंडी रोड्स, डस्टन रोड्स और कोडी रोड्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें एब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि किस तरीके से हैंगमैन एडम पेज और ब्रैंडी रोड्स अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स मैच के अंदर जेट कारगिल, थंडर रोजा को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद जेट कारगिल और थंडर रोजा ये दोनों ही रिंग के बाहर गई। और ये मैच स्टार्ट होने के बाद इन दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग के बाहर एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने आधे से ज्यादा मैच रिंग के बाहर ही लड़ा है। पर जब ये दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग के अंदर गई, तब थंडर रोजा ने जेट कारगिल के पैरों को टारगेट किया और यहाँ पर थंडर रोजा जेट कारगिल के पैरों के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे कि जेट कारगिल के पैर काफी डैमेज हो चुके थे। और यहीं पर मौका देखकर थंडर रोजा ने जेट कारगिल के ऊपर अपना काफी तगड़ा सबमिशन यानी कि फिगर फोर लेग लॉक लगाया, जिसके चलते प्रॉब्ली यहाँ पर जेट कारगिल टैप आउट कर ही देती। पर तभी यहाँ पर मास्टर ने रेफरी को डिस्चार्ज किया, जिसका फायदा उठाकर जेट कारगिल सबमिशन से बच पाई। पर तभी एक सुपरस्टार ने आकर थंडर रोजा के ऊपर अटैक किया, जिसका फायदा उठाकर जेट कारगिल ने थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जेडेड लगाया। और यहाँ पर थंडर रोजा को पिन कर जेट कारगिल ने मैच जीत लिया है, जो मैच एक ठीक ठाक मैच था। और इससे आप समझ सकते हैं कि अब जेट कारगिल एब्ल्यू कंपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है, जहां पर वो फर्स्ट एवर टीबीएस वुमेन चैंपियन बनने के लिए रूबी सो को फेस करने वाली है। पर गाइस जेट कारगिल की मैच जीतने के बाद थंडर रोजा ने गुस्से में जेट कारगिल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और तभी फिर एक बार उस सुपरस्टार ने आकर जेट कारगिल को बचा लिया और उस सुपरस्टार ने थंडर रोजा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर जब सुपरस्टार ने अपना चेहरा रिवील किया, तो गाइस हमें पता चला कि सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार मर्सिडीज मार्टिनेज है। और अब एब्ल्यू कंपनी अंदर अपना रिव्यू कर मर्सिडीज मार्टिनेज ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक किया है, जो अटैक देखकर यहाँ पर रूबी सो थंडर रोजा को बचाने के लिए आ गई, जिन्हें देखकर जेट कारगिल और मर्सिडीज मार्टिनेज ये दोनों ही यहाँ से भाग गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन चारों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। पर मैं ये देखकर काफी सरप्राइज था कि मर्सिडीज मार्टिनेज ने इस वीक के डायमंड स्पेशल यूएस मैच के ऊपर एब्ल्यू कंपनी अंदर अपना रिव्यू किया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए।
पर इसके बाद हमें डायमा शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर इस चीज से काफी गुस्सा है कि रियो को एब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिल रहा है। पर सभी को पता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर अपने गुस्से को काफी अच्छी तरीके से यूज करना जानती है, इसलिए रियो के खिलाफ मैच के बाद भी डॉक्टर ब्रिट बेकर ही रहने वाली है एब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो बात यहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। लेकिन इसके बाद हमें डायमा शो पर सीएम पंक आते हुए दिखाई दिए और यहां पर आकर बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि जिम रॉस को वापस देकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब से सीएम पंक ने ब्रॉडली का ट्रिब्यूट शो देखा है तब से सीएम पंक इस बिल्डिंग के अंदर आना चाहते थे, पर सीएम पंक के पास एब्ल्यू कंपनी आने के लिए कोई रीजन नहीं था जब तक कि उन्हें एमजेएफ मिली, और अब एमजेएफ की वजह से सीएम पंक यहां पर है। पर अब एमजेएफ चाहते हैं कि एमजेएफ सीएम पंक से दूर भाग जाए, जिसको लेकर सीएम पंक के मन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि एमजेएफ की वजह से सीएम पंक को स्टिंग के साथ टैग टीम के अंदर काम करने का मौका मिला है और सीएम पंक के लिए काफी बड़ी बात है। पर अगर एमजेएफ चाहते हैं कि एमजेएफ सीएम पंक से दूर जाए तो सीएम पंक भी एमजेएफ का पीछा नहीं करने वाले, पर एक चीज है जिसका पीछा सीएम पंक करना नहीं छोड़ने वाले और वो चीज कोई और नहीं बल्कि एब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। और एमजेएफ ने कहा है कि एमजेएफ एब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, पर सीएम पंक भी एब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, इसलिए दोनों ही एब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे तो जाने वाले हैं। पर अगर एमजेएफ सीएम पंक के रास्ते के अंदर आते हैं तो फिर सीएम पंक एमजेएफ को नहीं छोड़ने वाले, जो बात यहां पर सीएम पंक ने कही। और एमजेएफ का प्रोमो देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली एमजेएफ और सीएम पंक की स्टोरीलाइन के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगने वाला है, पर मैं तो चाहता हूं कि स्टोरीलाइन आगे कंटिन्यू हो। पर इसके बाद हमें रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि डांटे मार्टिन ने टीम टैक्स को धोखा दिया है और अब डांटे मार्टिन को इसके लिए पे करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत पावर ऑफ सॉप्स से होने वाली है, क्योंकि अब डांटे मार्टिन के लिए कोई और नहीं बल्कि पावर ऑफ सॉप्स आने वाले है, जो बात यहां पर रिकी स्टार्स ने कही। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर सैमी गवेरा का एक क्यू कार्ड सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि सैमी गवेरा दोबारा से साल 2022 के अंदर टीएनटी चैंपियन बनने वाले है। पर इसके बाद ब्रायन पिलमैन जूनियर रिंग के अंदर आ गए और यहां पर आकर बात करते हुए ब्रायन पिलमैन जूनियर कह रहे थे कि ब्रायन पिलमैन जूनियर ने कभी अपने फादर को नहीं देखा, पर अब जो ब्रायन पिलमैन जूनियर के पास फैमिली है वो फैमिली मैलिका ब्लैक ब्रायन पिलमैन जूनियर से दूर कर रहे हैं, और ब्रायन पिलमैन जूनियर ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए ब्रायन पिलमैन जूनियर मैलिका ब्लैक के लिए आने वाले है, पर वो मैलिका ब्लैक के हाउस ऑफ हॉरर के अंदर नहीं जाने वाले बल्कि मैलिका ब्लैक उनके पास आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रायन पिलमैन जूनियर का नया वर्जन मैलिका ब्लैक को देखने के लिए रेडी है, जो बात यहां पर ब्रायन पिलमैन जूनियर ने कही। पर ब्रायन पिलमैन जूनियर कैसे कही थी, यहां पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और हमने देखा कि रैंप के ऊपर कोई और नहीं बल्कि मैलिका ब्लैक खड़े थे, और यहां पर मैलिका ब्लैक ने ब्रायन पिलमैन जूनियर की तरफ पॉइंट किया, जिसके बाद मैलिका ब्लैक यहां चले गए। तो देखना पड़ेगा क्या मैलिका ब्लैक और ब्रायन पिलमैन जूनियर के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद एलबी ने अगले डायमंड शो और अगले रैंपेज शो के लिए बहुत सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से है जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन में डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि एब्ल्यू कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर पता चलती है, इसलिए ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और अगर आप इंडिया के अंदर एब्ल्यू सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एब्ल्यू सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर द क्लेम का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम एब्ल्यू कंपनी मेन इवेंट के अंदर रिजर्व करते हैं, लेकिन डार्बी एलन और स्टिंग की वजह से द क्लेम एब्ल्यू कंपनी मेन इवेंट के अंदर नहीं है और इसके लिए डार्बी एलन और स्टिंग को पे करना पड़ेगा, जो बात यहां पर द क्लेम ने कही। लेकिन यहां पर जवाब देते हुए स्टिंग और डार्बी एलन ने कहा कि स्टिंग और डार्बी एलन को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टिंग और डार्बी एलन मेन इवेंट के अंदर है या फिर फर्स्ट मैच के अंदर है, क्योंकि उनके लिए उनका हर एक मैच एक मेन इवेंट मैच होता है, इसलिए स्टिंग और डार्बी एलन अक्लेम को देख लेंगे, जो बात यहां पर स्टिंग और डार्बी एलन ने कही। पर इसके साथ हमें टैकोंटी और एनर्जी का भी बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए टैकोंटी और एनर्जी ने कहा कि फिनोलफी फोर्ड और बनी ये अपना हर एक मैच जीतने के लिए चीटिंग कर रही है और दोनों ही ब्रास नकल्स इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यहां पर टैकोंटी और एनर्जी चाहते हैं कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक टैग टीम स्ट्रीट फाइट मैच हो जाए, जिससे फाइनली पता चलेगा कि दोनों ही सुपरस्टार्स में से बेस्ट कौन है। और इसके जवाब में फिनोलफी फोर्ड और बनी ने कहा कि एनर्जी और टैकोंटी कह रही है कि बनी और फिनोलफी फोर्ड ब्रास नकल्स का इस्तेमाल करती है, पर अब एनर्जी और टैकोंटी चाहती है कि इनके बीच में एक स्ट्रीट फाइट मैच हो जाए, तो जरा एनर्जी और टैकोंटी सोच ले कि स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर क्या क्या लाएंगी, जो बातें कहकर यहां पर फिनोलफी फोर्ड और बनी ने एनर्जी और टैकोंटी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पर इस सब के बाद फाइनली यहां पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट मैन मिलकर एडम कोल बॉफिश और काइल रायली को फेस करते दिखाई दे रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कैल रैली और चक टेलर ने इस मैच की शुरुआत की, जहां पर हमें इस मैच के अंदर कैल रैली की इस मैच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और कैल रैली की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस देखकर ऐसा नहीं लगता कि कैल रैली को एब्ल्यू कंपनी अंदर सेटल करने के लिए टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक मैच के अंदर ही कैल रैली ने अपने आपको एब्ल्यू कंपनी अंदर काफी अच्छी तरीके से फिट कर लिया है। और माना कि हमें इस मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स कैल रैली और बॉफिश की तरफ से बहुत ही तगड़ी रेसलिंग देखने को मिली है, लेकिन जब ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर आए तब हमें फिर एक बार इस मैच के अंदर काफी फनी चीजें देखने को मिली है, जो देखकर कैल रैली और बॉफिश ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और जब इस मैच के आखिर में इस मैच में काफी क्रॉस चल रहा था तब एक टाइम के लिए कैल रैली ने एक्सीडेंटली एडम कोल के ऊपर अटैक कर दिया और इसका फायदा उठाकर बेस्ट फ्रेंड से मैच जीतने के लिए गए, लेकिन तभी यहां पर यंग बक्स आ गए और यहां पर आकर यंग बक्स ने बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक किया, जिसका फायदा उठाकर कैल रैली और बॉफिश ने मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहां पर बेस्ट फ्रेंड्स को पिन कर कैल रैली और बॉफिश ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। पर गाइस यहां पर देखने वाली बात ये थी कि यहां पर ये मैच खत्म होने के बाद एडम कोल कैल रैली से काफी गुस्सा थे कि कैल रैली ने एडम कोल के ऊपर अटैक किया है और माने कि एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन यंग बक्स यहां पर एडम कोल कह रहे थे कि कैल रैली ने ये सब जानबूझकर किया है, जिससे फिर एक बार यहां पर एडम कोल इस सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं कि एडम कोल को चूज करना है कि कैल रैली और बॉफिश या फिर यंग बक्स। पर इस बार कैल रैली के अटैक की वजह से एडम कोल यंग
यंगबक्स के साथ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल, बॉफिश, कायल रैली और यंगबक्स के बीच में क्या होता है। पर स्टोरी लाइन देखकर मुझे तो काफी मजा आ रहा है, और अभी मुझे कमेंट कर बताइए कि स्टोरी लाइन के ऊपर आपका क्या कहना है, कि एडम कोल को किसे चूज करना चाहिए, यंगबक्स या फिर कायल रैली और बॉफिश। पर ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?